हेलो एवरीवन, एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का करेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर टू देखना क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर टू, फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ बमबम लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2011। आपको ऑथराइज कैपिटल दे रखी है, इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं, डिबेंचर्स दे रखे हैं, ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। In AGM held on 20th June, company passed the following resolution to split equity shares of 10 each into 5 equity shares of rupees 2 each from 1st July to redeem 8% preference shares at a premium of 5%, to redeem 9% debentures by making offer to debenture holders to convert their holding into equity shares at rupees 10 per share or to accept cash on redemption, to issue fully paid bonus shares in the ratio of 1 equity share for every 3 shares held on record date. On 10 July, investments were sold for 5,55,000 and preference shares were redeemed. 40% of debenture holders exercised their options to accept cash and their claims were settled on 1st August. Company fixed 5th September as record date and bonus was concluded on 12th September. You are requested to journalize the above transactions. Chalo, heading likhenge. जर्नल एंट्रीज ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ना थोड़ा सीक्वेंस में जरा थोड़ा सा चलना। आओ जरा पहले फर्स्ट पॉइंट सीक्वेंस में थोड़ा सा चलना। उसने कहा है टू स्प्लिट इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच इंटू 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 2 ईच। मेरी बात सुनना, ऊपर पढ़ो ऊपर और मुझे बताओ इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल में कितने इक्विटी शेयर स्टैंड कर रहे हैं। 30,000 इक्विटी शेयर स्टैंड कर रहे हैं ऑफ रुपीज 10 ईच। पता है अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या करा, एक शेयर था 10 रुपए का, उन्होंने क्या करा 10 रुपए के एक शेयर को कन्वर्ट कर दिया इनटू 5 शेयर्स ऑफ रुपीज 2 each। मतलब ना एक शेयर के 5 हिस्से कर दिए, एक शेयर जो 10 रुपए का था उसको उसके हिस्से 5 हिस्से कर दिए 2-2 रुपए के। ठीक है, तो एक शेयर 10 रुपए का था उसको कन्वर्ट कर दिया इंटू 5 शेयर्स ऑफ रुपीज 2 each। अच्छा, अब हमें ना इसके कन्वर्जन की एक एंट्री बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्या एंट्री बनेगी, मेरी बात सुनना, मेरे को बताओ करंटली आपकी बैलेंस शीट में एक शेयर कितने का स्टैंड कर रहा है, 10 रुपए का। ठीक है, तो 10 रुपए का जो शेयर था वो तो हो गया अब खत्म, 10 रुपए वाला शेयर तो हो गया खत्म, और 10 रुपए वाले शेयर की जगह कौन सा शेयर आ गया, 2 रुपए वाला शेयर आ गया। अब सुनो, कौन सा शेयर खत्म हुआ है, 10 रुपए वाला शेयर खत्म हुआ है, तो 10 रुपए वाले शेयर को खत्म करने के लिए मैंने कर दिया उसको डेबिट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 10 डेबिट, 10 रुपए वाला शेयर खत्म हो गया, और इसकी जगह कौन सा शेयर आ गया, 2 रुपए वाला शेयर आ गया। बात समझ आई, चलो अब मुझे एक बार बताना जरा, हमने एक शेयर को कन्वर्ट करा इंटू 5 शेयर्स, तो बैलेंस शीट में 30,000 शेयर्स थे, तो एक शेयर कन्वर्ट हुआ इंटू 5 शेयर्स, तो 30,000 शेयर्स विल कन्वर्ट इंटू 5/1 इंटू 30,000 इंटू 150,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 2 each। तो पहले 30,000 शेयर थे 10 रुपए के हिसाब से, अब 1.5 लाख शेयर हो गए 2 रुपए के हिसाब से, मतलब अमाउंट तो सेम ही रहेगी ना। पहले 30,000 शेयर थे 10 के हिसाब से, अब हो गए 1,50,000 शेयर, कितने के हिसाब से, 2 के हिसाब से, यानी अमाउंट पहले भी 3 लाख थी, अमाउंट अब भी 3 लाख है। बिंग इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच कन्वर्टेड इंटू
रुपीज टू ईच। चलो ये तो हो गई हमारी पहली एंट्री, कन्वर्जन की नई एंट्री थी। अच्छा सेकंड, टू रिडीम 8% प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। चलो ड्यू की एंट्री कर लो पहले, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख की, उस पर प्रीमियम है 5% का 25,000, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है 5,25,000। नरेशन बींग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। चलो अब आ जाओ थर्ड एंट्री पे। अब बताओ थर्ड एंट्री में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को बताओ क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे? चेक करो बैलेंस शीट में कोई पीएल दे रखा है क्या, दे रखा है 40,000 रुपए का। चलो प्रीमियम को राइट ऑफ करो, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कितने रुपए का प्रीमियम है, 25,000 रुपए का प्रीमियम है, राइट ऑफ कर दो। नरेशन बींग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिटर्न ऑफ। ठीक है चलो अभी सुनना ध्यान से मेरी बात। अब एक काम करो वो वर्किंग नोट बनाओ, वाला वर्किंग नोट बनाओ, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड वाला। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, बताओ हम कितने नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं? 5 लाख नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं। या तो रिडीम करेंगे आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स या रिडीम करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अच्छा पढ़ के बताओ कि हमने कोई फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स किया है फॉर कैश, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा इशू किया हो जिससे कैश आए? नहीं, हमने कोई फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स नहीं करा है फॉर कैश। इसका मतलब पूरे का पूरा 5 लाख किसके थ्रू रिडीम होगा, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अब बताओ कौन से प्रॉफिट्स को यूटिलाइज कर सकते हो, जनरल रिजर्व को कर सकते हो? तो बताओ आपको सेक्शन 55 क्या कहता है, जनरल रिजर्व में से आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा, 5 लाख रुपीज आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। नरेशन बींग प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। चलो अब एक काम करूं, पे ऑफ कर दूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक कितना देना था, 5,25,000 रुपए। लो हो गया 5,25,000। बींग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पेड ऑफ, बींग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पेड ऑफ। ठीक है चलो, तो प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन का पूरा ट्रीटमेंट हो गया। अभी कुछ नए पॉइंट्स और करेंगे, ध्यान से देखनी है मेरी बात सबने। कितने एंट्रीज हो गई हमारी, 5। चलो सिक्स्थ, ध्यान से जरा सिक्स्थ। अब आओ थर्ड पॉइंट पे, टू रिडीम 9% डिबेंचर्स बाय मेकिंग ऑफर टू डिबेंचर होल्डर्स टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग्स इनटू इक्विटी शेयर्स एट ₹10 पर शेयर और टू एक्सेप्ट कैश ऑन रिडेम्पशन। पता है क्या, हमने जो बैलेंस शीट में देखो 9% डिबेंचर स्टैंड कर रहे हैं ना 2.5 लाख रुपए के, इनको हमने एक ऑफर दिया। क्या दिया, एक ऑफर, क्या, या तो तुम अपने अमाउंट के बदले हमसे इक्विटी शेयर्स ले लो या तुम अपने अमाउंट के बदले हमसे कैश ले लो। तो या तो इक्विटी शेयर्स ले लो या क्या ले लो, कैश। अब पढ़ो लास्ट की दो लाइनें इसी पेज पे, 40% ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स एक्सरसाइज देयर ऑप्शंस टू एक्सेप्ट कैश। इसका मतलब जितना डिबेंचर्स को देना था उसमें से 40% तो हमने क्या दिया, कैश। एंड देयर क्लेम्स वॉज सेटल्ड ऑन 1st अगस्त। इसका मतलब एक बात क्लियर हुई मुझे, 40% को तो कैश दिया
तो बचे कितने 60% उन्हें क्या दिए होंगे इक्विटी शेयर्स। अभी सुनना सुनना काम की बात। एक बात नोटिस करो ये लास्ट की दो लाइनें पढ़ के, आपने उनको पेमेंट कौन सी डेट को करी है? 1 अगस्त 2011 को करी है। और ऊपर पढ़ो ये बैलेंस शीट कब की है, 31 मार्च 11 की। तो मुझे बताओ कितने महीने बाद पेमेंट करी है? अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने बाद पेमेंट करी है। तो याद रखना आपको उन्हें 2.5 लाख रुपए के अलावा 4 महीने का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। निकाल के बताओ 2.5 लाख पे 9% 4 महीने का 7,500 रुपए का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इसका मतलब आपको टोटल पैसा डिबेंचर होल्डर्स को कितना देना है? 2,50,000 प्लस 7,500 रुपए 257,500। चलो एंट्री करेंगे, पहले डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू करेंगे फिर पे करेंगे। देखना अच्छा, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर कितने के थे? 2.5 लाख रुपए के। बताओगे 2.5 लाख रुपए के अलावा आपने उनको और क्या देना है? 7,500 रुपए का इंटरेस्ट भी देना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस है, डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट 7,500 रुपए टू डिबेंचर होल्डर्स, कितना देना है? 257,500। नरेशन बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स। चलो अगला पॉइंट, जी पॉइंट। अब डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करते हैं। डिबेंचर होल्डर्स डेबिट 257,500। बताओ पहले आपने इनको क्या दिया? कैश। एक काम करो कैलकुलेटर्स पे जरा सब कैलकुलेट करना, मुझे बताओ 257,500 में से 40% ने तो एक्सेप्ट कर लिया कैश। यानी मेरे को बताओ, सुनो 2.5 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे, ध्यान से जरा, 2.5 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे, 2.5 लाख का 40% पहले बताओ कितना हुआ? 1 लाख रुपए का तो सीधा सीधा कैश हो गया। अभी इंटरेस्ट को मत देखना, पहले प्रिंसिपल अमाउंट की बात करो। 2.5 लाख रुपए का 40% तो कैश, 1 लाख रुपए तो हो गया कैश। यहां पर लिखो 1 लाख रुपए तो ये हो गया कैश। अब मुझे एक बात और बताओ, ये जो इंटरेस्ट है 7,500 रुपए का, भाई इंटरेस्ट थोड़ी ना आप इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में दे दोगे। इंटरेस्ट तो आपको किस फॉर्म में देना पड़ेगा? इंटरेस्ट तो आपको कैश के फॉर्म में ही देना पड़ेगा। यानी 1 लाख रुपए तो कैश आया प्रिंसिपल अमाउंट का, प्लस 7,500 का जो इंटरेस्ट है वो तो कैश में ही आएगा ना। तो 1,07,500 रुपए का कैश हो गया। अब मुझे बताओ 257,500 में से 1,07,500 का कैश, तो बचा 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए के क्या देंगे? इक्विटी शेयर्स। पढ़ना जरा क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट ध्यान से, बचे हुए 1.5 लाख के क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर्स। थर्ड पॉइंट पढ़ो, ऑफ ₹10 ईच। अब यहां पर एक बात और नोटिस करो, हमने तो 10 रुपए के शेयर को रिड्यूस करके कितने का कर दिया था? 2 रुपए का। यानी इस वक्त शेयर आपके पास कितने रुपए का है? 2 रुपए का शेयर है। 2 रुपए का शेयर 10 रुपए का इशू हो रहा है, इसका मतलब 8 रुपए के प्रीमियम पे इशू हो रहा है। तो एंट्री करोगे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। एक वर्किंग नोट जरा बनाना, बताओगे आपने 2.5 लाख के डिबेंचर्स थे उसमें से 40% तो कैश दे दिया, बचा 1.5 लाख रुपए वो किस फॉर्म में दे रहे हो? इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में, और एक शेयर 10 रुपए का। यानी नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स 15,000 आ जाएंगे एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो 15,000 शेयर और एक शेयर की फेस वैल्यू क्या हो गई है? 2 रुपए। तो 30,000 तो चला गया कैपिटल में। 15,000 शेयर इंटू एक शेयर पे प्रीमियम 8 रुपए का, तो 1,20,000 आ गया सिक्योरिटीज प्रीमियम। नरेशन लिखना, बींग डिबेंचर होल्डर्स पेड ऑफ, बींग डिबेंचर होल्डर्स पेड ऑफ। ठीक है, तो ये आपके डिबेंचर होल्डर्स को पे ऑफ करने की एंट्री हो गई।
फिर अगला, अब देखो कौन सा पॉइंट हमारे रह गए, अभी फोर्थ पॉइंट छोड़ दो, पहले नीचे आओ। ऑन 10th जुलाई इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड फॉर 555, पढ़ना इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में 490 की थी, 490 की इन्वेस्टमेंट्स 555 की बेची। इन्वेस्टमेंट्स बेचोगे तो कैश का इनफ्लो बैंक डेबिट 555। टू इन्वेस्टमेंट्स 490, अच्छा 490 की इन्वेस्टमेंट्स 555 की बेची तो प्रॉफिट हो गया ना 65,000 का, बीइंग इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड। चलो अच्छा, अब रह गया मेरे ख्याल से जो पॉइंट हमारा रह गया वो है फोर्थ वाला बोनस का, पढ़ना। टू इशू फुली पेड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 3 हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट। चलो जरा एक काम करो, वर्किंग नोट बनाओ फिर से, बोनस शेयर्स निकालते हैं, बोनस शेयर्स पढ़ना। रेशियो क्या है बोनस शेयर्स का? 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड, मतलब जिसके पास 3 शेयर हैं उसको मिलेगा 1 बोनस शेयर। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात जरा सुनना, ध्यान से जरा मेरी बात समझनी है जो मैं कहूंगा। उसने कहा है फॉर 3 शेयर हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट, और नीचे अगर आप पढ़ोगे ना तो कंपनी ने 5th सितंबर को फिक्स किया है एज इट्स रिकॉर्ड डेट। तो याद रखना, जो जो शेयर्स जिस जिसके पास शेयर्स 5th सितंबर तक थे ना, उन सबको क्या दिए जाएंगे? बोनस शेयर्स। चलो मुझे अब यह बताना कौन कौन से शेयर्स 5th सितंबर तक थे, 5th सितंबर। अच्छा मुझे पहले बताओ, बैलेंस शीट में 30,000 शेयर थे, उसका तो अगर आपको याद हो तो 1 शेयर 5 शेयर्स में कन्वर्ट हो गया था, तो 30,000 शेयर 1.5 लाख शेयर्स में कन्वर्ट हो गए थे, तो 1.5 लाख शेयर्स तो हो गए वो। अच्छा इसके अलावा आपने डिबेंचर होल्डर्स को भी शेयर्स इश्यू करे थे, पढ़ना कौन सी डेट को? 1 अगस्त को, मतलब 5th सितंबर से पहले इश्यू करे हैं। कितने शेयर्स डिबेंचर होल्डर्स को इश्यू करे थे? 15,000 शेयर। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल 1,65,000 शेयर्स आ गए। तो 1/3 × 1,65,000, तो जिसके पास 3 शेयर है उसे 1 बोनस शेयर, तो जिसके पास 1,65,000 है 55,000 बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज। याद रखना अब 1 शेयर कितने का है? 2 रुपए का, तो 1,10,000 रुपए का बोनस। अच्छा बोनस के लिए आप किस किस को यूटिलाइज कर सकते हो? बैलेंस शीट में देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम स्टैंड कर रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में से बोनस दे सकते हो। अच्छा चाहो तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में से भी बोनस दे सकते हो, चलो हम सीआरआर में से दे देते हैं। एंट्री क्या बनवाई थी मैंने? सीआरआर डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, कितने रुपए का बोनस? 1,10,000 का। नरेशन बींग बोनस शेयर्स ड्यू, और अब इश्यू कर दो बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 1,10,000 रुपए का बोनस। बींग बोनस शेयर्स इश्यूड, बींग बोनस शेयर्स इश्यूड, ठीक है। चलो एक बार चेक करो कोई पॉइंट हमारा रह गया, नजर डाल लो पूरे क्वेश्चन पे, एक नजर डालो कोई पॉइंट रह गया हो। बस एक ना लास्ट एंट्री हम और करेंगे, और वो क्या है मेरी बात सुनना, सुनो एक लास्ट एंट्री हम और करेंगे। मुझे बताओ वो जो इंटरेस्ट था जो डिबेंचर होल्डर्स को आपने देना था 7,500 रुपए का, वो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है तो कहां जाएगा? पीएल में। तो एक लास्ट एंट्री बनाओगे पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कितने रुपए का? 7,500 रुपए का इंटरेस्ट था, ठीक है। नरेशन लिखो बींग बींग
इंटरेस्ट चार्ज्ड, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में और क्या ट्रीटमेंट आपको फॉलो करना था, आओ जरा। हेलो एवरीवन, लास्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं आपके रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, पेज 7.32। छोटा सा क्वेश्चन है, देखना। देखो अच्छा, आपको एक बैलेंस शीट उन्होंने दे रखी है, नीचे की जो इंफॉर्मेशन है वो पढ़ते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002, कंपनी मेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 35,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग 20,000 डेप्रिसिएशन। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद रिगार्ड टू कंपनीज ऑपरेशंस। Preference dividend for the year ended 31st March 2002 was paid. Except cash and bank balance, other current assets and current liabilities as on 31st March 2012 was the same as on 31st March 2011. Company redeemed the preference shares at premium of 10%. Company issued bonus shares in the ratio of 1 share for every equity share held as on 31st March 2012. To meet the cash requirements of redemption, company sold all its investments. Investments were sold at 90% of cost. Past journal entries to record redemption and issue of bonus shares. तो अगर ना आप last line पढ़ो तो उसने साफ साफ आपको एक बात कह दी है कि आपको journal entries सिर्फ और सिर्फ redemption से relating या bonus shares के issue से relating बनानी है। तो उसके अलावा जो बाकी सारे पॉइंट्स हैं उन्हें भूल जाना, रिडेम्पशन से रिलेटिंग और बोनस शेयर्स के इश्यू से रिलेटिंग। चलो बनाते जर्नल एंट्रीज। पहले एक काम करो, थर्ड पॉइंट पढ़ो और मुझे बताओ रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है। तो जरा बैलेंस शीट देखना, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। चलो मुझे बताओ जरा, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,00,000 की है, उस पर 10% का प्रीमियम, 10,000 का प्रीमियम, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है 1,10,000। बींग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अच्छा सेकंड, अब बताओ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को क्या करें, राइट ऑफ, पीएल से कर देते हैं, पीएल डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितने का है, 10,000 का। नरेशन बींग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिटर्न ऑफ। ठीक है अच्छा, अब इसके अलावा देखते हैं, अब एक काम करो वो वाला वर्किंग नोट जरा बना लो, वर्किंग नोट बना लो, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड। मुझे बताओगे हम कितने नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं, 1,00,000 नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं। कहां से होगा रिडेम्पशन, या तो होगा आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स या होगा आउट ऑफ प्रॉफिट्स। पढ़ के बताओ क्वेश्चन में कोई फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स हो रहा है या नहीं, मेरे ख्याल से फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं हो रहा है। तो पूरा का पूरा 1,00,000 आउट ऑफ प्रॉफिट्स होगा। कौन से प्रॉफिट्स को यूटिलाइज कर सकते हो, जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व को कर लो यूटिलाइज। तो चलो एक काम करो, जनरल रिजर्व में से 1,00,000 रुपीज ट्रांसफर करो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में, 1,00,000। नरेशन बींग प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। चलो अच्छा, अब एक काम करो नीचे फिफ्थ और सिक्स पॉइंट पढ़ो, टू मीट द कैश रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिडेम्पशन कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स।
इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट 90% ऑफ कॉस्ट। अच्छा बैलेंस शीट पढ़ के बताओ, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, मार्केट में 90% पे बिकी, मतलब 90,000 की, तो बेचो, बैंक डेबिट 90,000। अच्छा 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 90,000 की बेची, तो लॉस हो गया ना 10,000 का। पीएल डेबिट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट्स कितना, 1 लाख। नरेशन, बींग इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड तो ये हो गए हमारे कितने पॉइंट्स, 4 एंट्री हो गई। फिफ्थ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे ऑफ कर दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक कितना पे करना था, 1,10,000। बींग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पेड ऑफ, ठीक है। चलो ये तो हो गई सारी एंट्रीज रिलेटिंग टू रिडेम्पशन। उसने कहा था और कौन सी एंट्रीज बनानी है रिलेटिंग टू बोनस। फोर्थ पॉइंट पढ़ो, कंपनी इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड। अच्छा वर्किंग नोट बनाना, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स निकालते हैं। उसने कहा 1 शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड, मतलब जिसके पास 1 शेयर है उसको मिलेगा 1 बोनस शेयर। तो बताना करंटली बैलेंस शीट में कितने इक्विटी शेयर्स हैं, 10,000। तो जिसके पास 10,000 शेयर्स हैं उसे मिलेंगे 10,000 बोनस शेयर्स, और 1 शेयर 10 रुपीज का, मतलब कितने रुपए का बोनस, 1 लाख रुपए का बोनस। अच्छा बोनस के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम है 70,000 रुपए का वो भी यूटिलाइज कर सकते हो, या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है 1 लाख रुपए का वो भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कर लेते हैं, क्या एंट्री बनाते हो, CRR डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स 1 लाख। नरेशन लिखो, बींग बोनस शेयर्स ड्यू, और फिर आप इश्यू कर दोगे बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, ठीक है। नरेशन, बींग बोनस शेयर्स इश्यूड, बस उसने यही आपको कहा था, रिडेम्पशन की एंट्रीज करनी है और बोनस की एंट्रीज करनी है। एक नजर डालो, मेरे ख्याल से सारा ट्रीटमेंट हो गया। है ना, सारा ट्रीटमेंट हो गया। चलो चैप्टर आपका ये वाला खत्म हो गया, मंडे से आपका न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।